भाई बोधा रेड्डी बेटी कॉल किया, प्रमोद भाई पी के मार दिए क्या? यहाँ राहुल क्या था बात की रहेंगे, उसीलिए लगता वही बात करे थे लोग। चलो विजय भाई, गजेंद्र मिश्रा किधर हो भैया? अरे हेलो हेलो, अच्छा राहुल राहुल है क्या फोन? अरे मैं मनीष बोल रहा हूँ। अरे मैं दूसरे राहुल भाई को लगा रहा था, आपको लग गया। चलो ठीक है हाँ चलो, मतलब राहुल भैया को लगा दिया। अच्छा राहुल दुबे भैया है, और ये सेमीफाइनल की पहली गेंद गजेंद्र मिश्रा के हाथ में। राहुल भैया कहाँ हो? राम राम, मैच शुरू हो चुका है। आइए 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 आइए, जल्दी आइए जल्दी आइए, आ रहे सर्कल पे। पहली गेंद पैरों पर और इस वाइड के साथ ये सेमीफाइनल की शुरुआत होती हुई। गजेंद्र मिश्रा टीम के मिचेल स्टार्क बहुत ही अच्छे गेंदबाज हैं, उनके सामने होंगे युवा बल्लेबाज। और पहली अच्छी गेंद पैरों पे और उनके पॉइंट पर, माफ करिएगा, स्क्वायर लेग पर फील्डिंग करते हुए गोविंद, और अच्छी फील्डिंग, दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर दो रन। और बहुत ही अच्छी गेंद पैरों पर, गेंद जिस काम के लिए उन्हें उनकी कप्तान ने भेजा है वो बखूबी निभाते हुए गजेंद्र मिश्रा बैट्समैन के पैरों को बांध के रखे हैं अपनी गेंदों से। निखिल आगे बढ़कर खेलना चाहते थे पर बीट हुए। अगली गेंद और फिर से फुलर गेंद और पीछे अच्छी फील्डिंग विजय द्वारा, चार रन जाती हुई गेंद को रोका अच्छे एफर्ट से, और इसी एक रन के साथ दोनों ही बल्लेबाजों ने टीम का स्कोर तीन रन पर पहुंचा दिया है। और पहला विकेट गिर सकता था पर ये कैच छूटा, बहुत सी लप्पू सा कैच था और वहां पे बहुत ही बेहतरीन फील्डर है इस टीम के सिद्धांत लो ने, उनसे ये गेंद छिटिकता हुआ और टीम उनका मनोबल बढ़ाती हुई कि कोई बात नहीं, फिर मौके आपको मिल जाएंगे अगले इस मैच में। और क्या ही गेंदबाजी, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी, सेमीफाइनल का पहला ओवर और इस प्रकार की गेंदबाजी हमें देखने मिल रही है, ये सिर्फ इनक्रेडिबल बॉयज में देखने मिल सकता है हमें। बहुत ही अच्छे गेंदबाज गजेंद्र मिश्रा। और अच्छी गेंद, विनोद पटेल उसे फील्ड करते, रन आउट का मौका, डायरेक्ट हिट हो सकता था तो बैट्समैन पवेलियन जाते पर मिस हुआ वो चांस, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति। काफी अच्छा ओवर, काफी किफायती ओवर, पांच रनों का ओवर गजेंद्र मिश्रा द्वारा। कुरुशंग और निखिल रिवेरा के दोनों ओपनर्स, अच्छे ओपनर्स पर उतनी ही अच्छी गेंदबाजी है इनक्रेडिबल बॉयज की,
विजय। और ये इनक्रेडिबल बॉयज के इनक्रेडिबल प्लेयर राहुल दुबे ग्राउंड में आते हुए, उनकी ट्रेन मिस हो गई थी इसके लिए वो लेट हो गए हैं। विजय लेफ्ट आर्म पेसर दूसरा ओवर लेके तैयार, पटकी हुई गेंद मारना चाहते थे शॉट, कट लग के थर्ड स्लिप से एक रन डिक्लेयर। मैं बता दूं अपने दर्शकों को कि इस टीम में एक है मिचेल स्टार्क तो दूसरे हैं मिचेल जॉनसन। विजय काफी अच्छे बाउंसर मारने के लिए जाने जाते हैं और उसी तरीके से कुछ शुरुआत की है। अगली गेंद लेके तैयार विजय, फुलर गेंद फुल टॉस गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ खेल दिया, रन आउट का मौका विनोद पटेल फिर, और काफी क्लोज मामला हो सकता था। विनोद पटेल काफी अच्छा थ्रो, और इनक्रेडिबल बॉयज के मेंटर श्री रवि यादव जी बाहर से इस मैच का मनोरंजन लेते हुए। और अच्छी गेंद कैच का मौका नीचे विजय, और पहला झटका लगता हुआ रॉयल रेनेगेड्स को, और क्या ही स्वागत किया है उन्होंने इनक्रेडिबल बॉयज ने अपने मेंटर रवि यादव जी का इस विकेट के साथ। और अच्छी गेंद कैच का मौका नीचे विजय, और पहला झटका। बहुत ही अच्छी शुरुआत विजय, हर मैच में अपनी टीम को विकेट के साथ शुरुआत दिलाते हैं अपने ओवर में, और वैसे ही शुरुआत दिलाते हुए विजय। अरिंजय आते हुए, स्कोर बोलने की जरूरत नहीं है, सामने स्कोर है। थैंक यू। अगली गेंद विजय की, नए बल्लेबाज स्ट्राइक पर होंगे, और बहुत ही अच्छा शॉट वहां पर, और गेंद रोकते हुए सिद्धार्थ लो ने अच्छा डाइव, और यहां पे विजय भी फिसलते हुए। गेंद में आउटफील्ड में थोड़ा सा ड्यू है जिसके कारण फील्डरों को थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है यहां पर। हम तो यही चाहेंगे कि फील्डर आराम से फील्डिंग करें और अपने आप को सेफ रखें, क्योंकि उन्हें इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल में अपना पूरा योगदान देना है। सिद्धार्थ लोने टीम के बहुत ही अच्छे बल्लेबाज हैं, बहुत ही अच्छा प्रयास था ये, उन्होंने 4 रन बचाए अपनी टीम के। अगली गेंद विजय की, सामने होंगे निखिल, फुलर गेंद यॉर्कर गेंद बहुत ही बेहतरीन, वहां पे गजेंद्र फील्डिंग करेंगे। लेग पे गजेंद्र ने जब किया दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया है। अच्छी गेंदबाजी किफायती गेंदबाजी लाइन और लेंथ के साथ शुरुआत, एक सेमीफाइनल की शुरुआत इसी तरीके से कोई भी टीम चाहेगी। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी दोनों ही गेंदबाज द्वारा। पटकी हुई गेंद, रिवेरा की टीम ने अपने सीनियर प्लेयर जौनपुर के बाहुबली श्री
रॉयल प्लेयर्स प्रतीक यादव और श्री भरत भैया यादव जी। अगला मैच सेमी अगला सेमीफाइनल मैच जो रॉयल रिवेरा का होने वाला है उसकी टीम आती हुई। और विस्परिंग स्ट्राइकर्स और रॉयल रिवेरा के बीच सेकंड सेमीफाइनल देखने मिलेगा हमें। दोनों ही रिवेरा की टीमें सेमीफाइनल्स खेल रही हैं। रिवेरा काफी अच्छा प्रदर्शन रहा है इस टूर्नामेंट में दोनों ही टीमों का। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल खेल रही हैं। और मैच का तीसरा ओवर अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आते हुए राम जी। पटकी हुई गेंद कैच हो सकता है नीचे गजेंद्र आते हुए और इस कैच को पूरा करेंगे गजेंद्र मिश्रा। बेहतरीन पहले ओवर के बाद ये बेहतरीन काफी अच्छी शुरुआत काफी बेहतरीन शुरुआत इनक्रेडिबल बॉयज द्वारा। जिस तरीके की शुरुआत की जरूरत थी क्रिकेट के इस टूर्नामेंट के चाणक्य कहे जाने वाले संतोष त्रिपाठी। फिर से पटकी हुई गेंद और अच्छी गेंद पूरा सम्मान दिया हैट्रिक बॉल दी है। हैट्रिक से वंचित रह गए राम पर अपनी टीम को जो शुरुआत उन्होंने दी है बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। हम बता दें ये सेमीफाइनल में क्रिकेट के और इस टूर्नामेंट के चाणक्य कहे जाने वाले संतोष त्रिपाठी जी विकेट के पीछे हैं। विकेट के पीछे सिर्फ इंटरनेशनल में विकेट के पीछे से मैच नहीं पलटता यहां पर भी हमें एलपीएल में भी देखने मिल रहा है। फिर से अच्छी गेंद यहाँ पर बहुत ही अच्छे फील्डर कलीम शेख गेंद पर आते हुए। और एक बार फिर से खेल दिया उठा के सीधा प्लेयर की तरफ जाने माने प्लेयर हमारे पटेल जी अच्छे तरीके से उसको फील्ड करते हुए अपने टीम के लिए 3 रनों का योगदान देते हुए फील्डिंग के रूप में। यहाँ पे इनक्रेडिबल बॉयज के प्लेयरों में मंद मंद मुस्कान अभी भी एक गेंद शेष है इस ओवर की। राम सुखने अपनी ओवर की अंतिम शेष गेंद लाएंगे नीलेश के लिए। देखते हैं इस गेंद पर क्या लिखा हुआ है।
उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल दिया है कवर्स पे, लेकिन उसको उतने ही अच्छी तरीके से फील्ड कर दिया है कुणाल ने। और मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इनक्रेडिबल बॉयज के मेंटर रवि यादव जी और इनक्रेडिबल बॉयज के बैटिंग कोच धनराज यादव और इनक्रेडिबल बॉयज के बॉलिंग कोच श्री सुनील पांडे जी, तीनों जन यहाँ पे इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। आके अपने बॉलर्स की बॉलिंग, अपने फील्डरों की फील्डिंग देख रहे हैं। राहुल दुबे इस मैच का चौथा ओवर और अपने स्पेल का पहला ओवर लेके आते हुए। राहुल दुबे लेग स्पिनर, टीम के अच्छे लेग स्पिनर राहुल दुबे। और स्लोअर गेंद राहुल दुबे की, इसी चीज के लिए जाने जाते हैं वो, मिश्रण करते रहते हैं स्लोअर गेंद तेज गेंद और अच्छी लाइन और लेंथ के साथ बॉलिंग करते हैं राहुल दुबे। अगली गेंद लेके तैयार। और कोच फील्ड में तब्दीली करते हुए टीम के कप्तान श्री संतोष त्रिपाठी जी। और फिर से स्लोअर गेंद मिस करते हुए, काफी अच्छी और धीमी शुरुआत कही जाएगी दोनों ही टीमों के द्वारा। अच्छी अच्छी बॉलिंग हमें देखने मिल रही है। और यहां देखिए स्लिप लगाते हुए राहुल दुबे, पहली स्लिप में खड़े हैं अजय। फिर से अगली गेंद और स्लोअर गेंद, यहां पर स्विंग एंड मिस। अगली गेंद लेके तैयार राहुल दुबे। फिर से स्लोअर गेंद और फिर से मिस करवाते हुए, अपनी फिरकी की जाल फंसाते हुए बैट्समैन को नीलेश जाधव। अभी तक राहुल दुबे की फिरकी पढ़ नहीं पाए हैं। अच्छी बॉलिंग देखने मिल रही है। फिर से स्लोअर गेंद, कदमों का इस्तेमाल करके खेलना चाहते थे पर पूरी तरीके से बीट हुए नीलेश जाधव। मैं बता दूं इनक्रेडिबल बॉयज के बॉलिंग कोच श्री सुनील पांडे जी अपने बॉलर की बॉलिंग से काफी खुश होंगे। फिर से पटकी हुई गेंद और ये मेडन ओवर, सेमीफाइनल का मेडन ओवर डालते हुए राहुल दुबे। और इस टीम के असिस्टेंट बॉलिंग कोच भी हैं विजू पागे, जिनकी काफी ध्यान से इस मैच को वो देखते हुए पावर प्ले, बॉलिंग पावर प्ले लेती हुई टीम, माफ करिएगा बैटिंग पावर प्ले लेती हुई टीम। और गेंदबाजी करने आएंगे गजेंद्र मिश्रा अपने स्पेल का दूसरा ओवर लेके आ रहे हैं। पहले ओवर में बहुत ही अच्छी गेंदबाजी करके 5 रन खर्चे थे सिर्फ, और इस मैच का निर्णायक ओवर ये हो सकता है। काफी स्लो शुरुआत देखने मिली हमें रॉयल रेनेगेड्स के द्वारा। और गेंद लेके तैयार गजेंद्र, और पटकी हुई गेंद सीधा कलीम के हाथों में, रन आउट का मौका, पर इससे अच्छे थ्रो की उम्मीद कर रहे थे उनके कप्तान, पर काफी तेज थ्रो गजेंद्र मिश्रा, उसे कलेक्ट नहीं कर पाए। दोनों बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया है। तो
फुल टॉस इजीली फेंकते तो भी रन आउट है। फिर से अच्छी गेंद फील्डिंग करते और अजय जी से गेंद छूटती हुई और यहां पर मिसफील्ड, जिसके फलस्वरूप दो रन चुरा लेते हुए दोनों बल्लेबाज। काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। पांचवा ओवर प्रगति पर, चार ओवर दो गेंदों में मात्र 21 रन। और बहुत ही अच्छी गेंद पॉइंट और कवर के बीच में से चार रनों के लिए। और अच्छी वापसी, अच्छी वापसी, गुड कमबैक गजेंद्र मिश्रा द्वारा इस चार रनों के साथ। और अगली गेंद लेके तैयार गजेंद्र मिश्रा, सामने होंगे निखिल। और अच्छी गेंद पर दिशाहीन, व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। और फिर से अच्छी गेंद, निलेश यादव स्विंग एंड मिस। अगला मैच रॉयल रिवेरा वर्सेस विस्परिंग पाम स्ट्राइकर्स के बीच खेला जाएगा, गोल्ड का सेकंड सेमीफाइनल। और काफी अच्छी गेंद और ये क्लीन बोल्ड। काफी अच्छे गेंदबाज गजेंद्र मिश्रा बोल्ड करते हुए निखिल जाधव को। डीजे हेलो 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 माइक का भी हल्का सा कम कर देना। हेलो 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 और राहुल दुबे अपने स्पेल का दूसरा ओवर और मैच का छठा ओवर लेके आते हुए। बहुत ही अच्छी पहली ओवर उन्होंने की थी, मेडन ओवर डाला था उन्होंने, उनका दूसरा ओवर ये स्पेल का। फिर से पटकी हुई गेंद, स्लोअर गेंद, बहुत बेहतरीन गेंदबाजी। राहुल दुबे सात गेंदे कर चुके हैं पर रिवेरा के पास उनका कोई भी उत्तर नहीं। अच्छी गेंदबाजी। फिर से स्लोअर गेंद, स्क्वायर लेग की तरफ खेलना चाहते थे पर बीट हुए। क्या ही गेंदबाजी कर रहे हैं राहुल दुबे, अपना एक्सपीरियंस झोंकते हुए यहां पे इस सेमीफाइनल में। और इस बार नजाकत के साथ पॉइंट और कवर के बीच में एक रनों के लिए खेल दिया है, पहला रन राहुल दुबे के खिलाफ रिवेरा टीम का। फिर पटकी हुई गेंद और यहाँ पे बैट्समैन क्रीज में 360 रोटेशन लेते हुए, अपनी गेंदों पे नचाते हुए राहुल दुबे। वो क्या ही परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी।
फिर से पटकी हुई गेंद और फिर से मिस और वाइट बॉल। बहुत ही अच्छे गेंदबाज, बहुत ही एक्सपीरियंस गेंदबाज राहुल दुबे। फिर से पटकी हुई गेंद और मारना चाहते थे पर अंदरूनी नहीं किनारा और एक रन डिक्लेयर टीम के महेंद्र सिंह धोनी से इस गेंद छिटकती हुई। टीम के कप्तान संतोष त्रिपाठी जी। फिर से स्लोअर गेंद और फिर से मिस, स्विंग एंड मिस। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक एक्स्ट्रा और दो रनों के साथ तीन रन इस ओवर में मात्र दिए हैं राहुल दुबे ने। काफी किफायती ओवर अभी तक हमें देखना मिला है इस किसी भी स्पिनर द्वारा इस टूर्नामेंट में। और छह ओवरों की समाप्ति पे 29 रन 4 विकेट के नुकसान पे रिवेरा का स्कोर। हमने यहाँ पे जौनपुर एक्सप्रेस देखा, काफी तेज गेंदबाजी देखी प्रतीक यादव द्वारा। वहीं पे हमने राहुल दुबे को भी देखा, यहाँ पे काफी स्लो गेंदबाजी और अच्छी गेंदबाजी और बेहतरीन बॉलिंग। और टीम के काफी अनुभवी गेंदबाज कलीम, पटकी हुई गेंद खेल दिया है सीधा लॉन्ग ऑफ के हाथों में एक रनों के लिए। इनक्रेडिबल बॉयज की टीम काफी अच्छी गेंदबाजी करते हुए शिकंजा बनाते हुए इस मैच में पूरी तरीके से। पटकी हुई गेंद और उसका फायदा नहीं उठा पाए और मिस फील्ड पर रनआउट का मौका स्ट्राइकर एंड पर और गेंद एक्स्ट्रा बाउंस करके जाती हुई फिर से। बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, यहाँ पे थोड़ी सी लूज फील्डिंग देखने मिली हमें इनक्रेडिबल बॉयज के तरफ से। और तीन रन इस बीच दोनों ही बल्लेबाजों ने चुरा लिया है। कलीम अगली गेंद लेके तैयार, फिर से पटकी हुई गेंद खेल दिया है और अच्छी फील्डिंग वहां पे राम द्वारा एक रनों के लिए। तीन गेंदें शेष इस इनिंग की। फिर से पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे पर बीट हुए और अंपायर का इशारा वाइट बॉल। वाइस कप्तान टीम के अजय पीछे से प्रोत्साहित करते हुए कलीम को। फुलर गेंद और फिर से बीट होते हुए अच्छी गेंदबाजी और रिव्यू लेते हुए प्लेयर वाइट का। वाइट है, माफ करिएगा वाइट। और वाइट बॉल अंपायर का इशारा और वन डी भी। और अच्छी गेंद और अच्छा शॉट मिड विकेट की ओर और मिस फील्ड करते हुए राहुल दुबे। अच्छी गेंदबाजी करने के बाद ये आसान सी गेंद को छोड़ते हुए राहुल दुबे, वो भी चाहते होंगे टीम का कुछ स्कोर बन जाए, हमें ब्लॉकबस्टर बैटिंग देखने मिल जाए क्योंकि उनकी टीम में खुखार बल्लेबाज श्री विनोद पटेल जी। अच्छी गेंद, बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाज हैं। कैच का चांस हो सकता है पर ये गेंद सीधा नो बॉल अंपायर का इशारा और फ्री हिट होगी। कलीम शेख काफी अच्छे गेंदबाज हैं पर वो रनों की गति को बढ़ाते हुए टीम की। फ्री हिट होगा, देखते हैं बल्लेबाज क्या करते हैं इस गेंद पर। फिर से पटकी हुई गेंद पर उसका फायदा नहीं उठा पाए। अच्छी गेंद, फ्लर गेंद यहाँ पे
मिस करते हुए बल्लेबाज। और ये अच्छी आखिरी गेंद, रन आउट का मौका यहाँ पे, पर यहाँ पे थ्रो अच्छी हो सकती थी और यहाँ पे फिर से मिस फील्ड अजय भैया द्वारा। यहाँ पर 3 रन फिर से चुरा लिया है यहाँ पे आखिरी गेंद पर। इसी 3 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 47 रन, 48 रन का लक्ष्य, विशाल का लक्ष्य ये दिया है रिवेरा रेनिगेट्स ने। और अगला सेमीफाइनल रॉयल रिवेरा वर्सेस WP स्मैशर्स के कप्तान से निवेदन है कि वो टॉस कराने के लिए कमेंट्री बॉक्स की ओर आए। और मैं कमेटी के वरिष्ठ खिलाड़ी श्री अश्विन जी से निवेदन करूंगा कि टॉस करवा लें वो अगले मैच का। और पहला सेमीफाइनल लो स्कोरिंग इनकाउंटर देखने मिलेगा हमें। रिवेरा रेनिगेट्स की बॉलिंग बेहतरीन है, आखिरी मैच में हमने देखा था उन्होंने बहुत ही अच्छी गेंदबाजी की थी। टीम में बहुत ही अच्छे अच्छे गेंदबाज भरे पड़े हैं, लेकिन उनके सामने होंगे इनक्रेडिबल बैट्समैन। और मैं इनक्रेडिबल बॉयज के कप्तान से निवेदन करूंगा कि अपने ओपनरों को शीघ्र ही शीघ्र भेजें, हम समय से पीछे चल रहे हैं। और यहाँ पे दूसरे सेमीफाइनल का टॉस हो चुका है। और दूसरे मैच, दूसरा सेमीफाइनल गोल्ड कैटेगरी का WP स्मैशर्स वर्सेस रॉयल रिवेरा। माफ करिएगा, WP स्ट्राइकर्स, स्ट्राइकर्स ने टॉस जीतकर फील्डिंग लेने का फैसला लिया है। और ये इनक्रेडिबल बॉयज के दोनों ओपनर सिद्धार्थ लोने और दोनों ओपनर्स आते हुए लोने और कुरनाल पांचाल। और पहला ही ओवर बॉलिंग पावर प्ले लेती हुई रिवेरा की टीम। शाम को ही हो गया था।
पटकी हुई गेंद और अच्छी गेंद और एक रन अंपायर का इशारा डिक्लेयर। विकेट कीपर से गेंद छूटती हुई। इनक्रेडिबल बॉयज के दर्शक हर्षोल्लास में बहुत ही फिर से पटकी हुई गेंद और हवा में गेंद नीचे फील्डर आते हुए पहला झटका सिद्धांत लोने के रूप में। और सिद्धांत लोने बहुत ही एक्सपीरियंस बल्लेबाज हैं पर अपना विकेट गवाते हुए इस महत्वपूर्ण सेमीफाइनल में और उनका स्ट्राइक लेने आ गए हैं गोविंद गोविंदा गोविंदा। आयुष अच्छे स्पिन गेंदबाज उनके सामने होंगे बल्लेबाज गोविंद। गेंद लॉन्ग ऑफ के तरफ एक रनों के लिए खेल दिया है इनक्रेडिबल बॉयज की टीम का स्कोर बढ़ता हुआ दो रन। कृणाल पांचाल लेफ्ट हैंड बैट्समैन उनके सामने होंगे आयुष। पटकी हुई गेंद माफ करिएगा यॉर्कर गेंद दिखी नहीं मेरे को यार। बहुत ही अच्छी गेंद पर दोनों ही बल्लेबाजों ने एक रन चुरा लिया। स्लॉग स्वीप खेलना चाहते थे पर नाकाम हुए। स्लोअर गेंद और बहुत ही बेहतरीन शॉट स्क्वायर लेग मिड विकेट के बीच में से छह रनों के लिए। और बहुत ही अच्छी शॉट ये गोविंद जी द्वारा उनके टीम के बैटिंग कोच धनराज यादव इस मैच का लाइव प्रसारण देख रहे हैं। फुल टॉस गेंद और बहुत ही अच्छा शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से चार रनों के लिए। और पहली ओवर की समाप्ति 13 रन एक विकेट के नुकसान पर इनक्रेडिबल बॉयज। गोविंद पांडे बहुत ही अच्छे बल्लेबाज माने जाते हैं। वन डाउन आते हैं तीसरे नंबर के बल्लेबाज। और अगला ओवर लेके आते हुए रियान मलिक जम्मू एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध हैं। वो लोखंडवाला में बहुत ही तेज गेंदबाज हैं। उनके सामने होंगे कृणाल पांचाल।
और बहुत ही अच्छी गेंद, वाइड यॉर्कर, अच्छी शुरुआत करते हुए गेंदबाज रियान मलिक। अच्छी गेंद, शफल करके ऑफ साइड में आके लेग साइड में खेलना चाहते थे कुरनाल पांचाल, पर पूरी तरीके से बीट हुए। और अपना छोर बदलते हुए रियान, और बहुत ही अच्छा शॉट कट कर दिया है पॉइंट की तरफ एक रनों के लिए। और बहुत ही अच्छी गेंद, स्लॉट में गेंद पर बीट करवाती हुई बैट्समैन गोविंद पांडे को। पटकी हुई गेंद, कट करना चाहते थे पर पूरी तरीके से बीट हुए गोविंद पांडे। अच्छी गेंदबाजी रियान द्वारा, जिस तरीके से पहले इनिंग में राहुल दुबे गेंदबाजी की थी उसी तरीके से कुछ गेंदबाजी करते हुए रियान मलिक। और बहुत ही बेहतरीन गेंद, क्लीन बोल्ड, बहुत ही बड़ा झटका लगता हुआ इनक्रेडिबल बॉयज को गोविंद पांडे के रूप में। दो ओवर 14 रन 2 विकेट। रीप्ले देख सकते हैं हमारे दर्शक, यहां पे हमने साइड स्क्रीन की व्यवस्था की है दर्शकों के लिए कि वो रिप्ले देख सकते हैं। और अच्छी गेंदबाजी रियान मलिक द्वारा, और अब बल्लेबाजी करने आ रहे हैं राहुल दुबे, जिन्होंने बहुत ही शानदार गेंदबाजी की थी। दो ओवर, दो किफायती ओवर, मात्र 3 रन खर्चे थे उस ओवर में, और वो आ रहे हैं बल्लेबाजी का कारोबार संभालने राहुल दुबे। फुल टॉस गेंद और उसका पूरा फायदा उठाते हुए एक रनों के लिए। वन रन डिक्लेयर कुरनाल पांचाल, फुल टॉस गेंद को कन्वर्ट नहीं कर पाए 6 रनों में एक रनों के लिए। और इनक्रेडिबल बॉयज की धीमी धीमी चलती पारी, फिर से बाहर गेंद, काफी वाइट बॉल, अंपायर का इशारा, और
और फिर से मौका और यहाँ पे विकेट गिरा दे हुए कृणाल पांचाल। रिवेरा के कैप्टन आयुष कॉल की अच्छी गेंदबाजी। तीसरा झटका लगता हुआ और अब आते हुए इनक्रेडिबल बॉयज के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर विनोद पटेल। पटकी हुई गेंद और कट कर दिया है कवर्स और पॉइंट और कवर्स के बीच में चार रनों के लिए राहुल दुबे। लगता है ध्यान नहीं दिए इस गेंद को, गेंद चूमती हुई बाउंड्री को चार रनों के लिए। मिसफील्ड देखने मिला हमें यहाँ पे फील्डर द्वारा, बॉलर खुश नहीं है। विनोद पटेल काफी स्ट्रॉन्ग प्लेयर माने जाते हैं ऑफ साइड के। फिर से पटकी हुई गेंद, फिर से कट कर दिया है यहाँ पर इस बार बहुत अच्छी फील्डिंग, राहुल ने मना किया। यहाँ पे अच्छा कॉल राहुल दुबे द्वारा, विकेट बचाते हुए अपने इनक्रेडिबल बैट्समैन विनोद पटेल का। फिर से पटकी हुई गेंद और कट कर दिया है छह रनों के लिए, पॉइंट और कवर के बीच में से सीमा रेखा बाहर, एलएफएस सिक्सर। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा वहां पे एलएफएस के फुलर गेंद और उसको भेज दिया है मिड विकेट के ऊपर से छह रनों के लिए विनोद पटेल। मैंने उनका इंट्रोडक्शन पहले ही दे दिया था, काफी खुखार माने जाते हैं वो टेनिस क्रिकेट के, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज विनोद पटेल। दो गेंदे दो छक्के। अगला ओवर रियान, मैच का चौथा ओवर और स्पेल का दूसरा ओवर लेके आते हुए और यहाँ पे बैटिंग पावर प्ले लेती हुई इनक्रेडिबल बॉयज की टीम। सामने होंगे राहुल दुबे और उनका साथ दे रहे हैं सिक्सर किंग विनोद पटेल। और काफी अच्छी गेंद, पैरों पर गेंद यहां पर, माफ करिए व्हाइट बॉल अंपायर का इशारा। और यहां पे अच्छी खेल भावना दिखाते हुए राहुल दुबे। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन और लेंथ रियान द्वारा, पर अब उनके सामने होंगे हार्ड हिटर विनोद पटेल। और ये अच्छी गेंद थी और एक रनों के लिए जाती हुई। स्कोर होता हुआ 35 रन तीन विकेट के नुकसान पर।
और फरमाइश आती हुई इनक्रेडिबल बॉयज के खेमे से विनोद भाई इसी ओवर में मैच को समाप्त करें। पटकी हुई गेंद और बहुत बेहतरीन शॉट और बहुत ही बेहतरीन कैच, बहुत ही बेहतरीन कैच यहां पे फील्डर द्वारा। काफी तेज गेंद जा रही थी उनके पास और लो कैच और अच्छी कैच एक अच्छे बल्लेबाज को पवेलियन में भेजने के लिए। इसी तरीके का कुछ एफर्ट दिखाना पड़ेगा फील्डिंग टीम को, अभी भी लेट नहीं हुए वो, 22 गेंदों में 13 रन की जरूरत है, अभी भी मैच में वापसी कर सकती है रिवेरा की टीम। और मैच बॉल आती हुई अब आएंगे स्ट्राइक पर वाइस कप्तान टीम के अजय विश्वकर्मा। 21 बॉल और 13 रन रिक्वायर्ड। माफ करिएगा 14 रनों की जरूरत 21 गेंदों में। पटकी हुई गेंद और अच्छे से खेल दिया है रन आउट का मौका पर राहुल दुबे मना करते हुए अपने बल्लेबाज को। स्लोअर गेंद अच्छी गेंद मिड ऑन की ओर जाती हुई अच्छी गेंदबाजी और अब होंगे स्ट्राइक पर राहुल दुबे जो 1-4 के साथ 4 रनों पे खेल रहे हैं बल्लेबाजी कर रहे हैं। अच्छी गेंदबाजी तो उन्होंने की ही, अब बल्लेबाजी का दारमदार उनके ऊपर। अच्छी गेंद अच्छा सम्मान और अच्छा ओवर समाप्त। 4 ओवर 35 रन 4 विकेट के नुकसान। और यहां पर इस बीच हमें देखने मिल रहा है अपील करते हुए रॉयल माफ करिएगा रिवेरा की टीम। और यहां पर शायद से क्रीज के बाहर थे राहुल और अच्छी अपील और अंपायर रिव्यू। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आप इसका आंखों देखा हाल देख सकते हैं हमारे साइड स्क्रीन पर।
और ये फैसला बल्लेबाजी टीम के हित में जाता हुआ नॉट आउट। और अगला ओवर लेके आते हुए आर्यन ना और बहुत ही बेहतरीन शॉट एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रनों के लिए अजय विश्वकर्मा जी द्वारा। बॉल गई है डायरेक्ट चिल्मा बाजार। अच्छा शॉट। But Mr. Ajay Vishwakarma has just finished. He thought he just finished the match, but no, umpire. He is right. Yes, yes. You have a chance of hitting three sixes in a row. There's an important announcement from Mr. Bhai Jalgaonkar that if Ajay hits 3 sixes in a row, he'll be winning this match. Five 0-1 for Mr. Ajay from Mr. Bhai. If he hits this ball for a six, no, he doesn't. It's a single and